आप सभी देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं मायरा। आप सबको बता दें कि जम्मू कश्मीर का हर शख्स फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट से डील करता है, तो आज डायरेक्ट हम आप सभी को लेकर आए हैं डिपार्टमेंट की जो हेड जो डायरेक्टर है रिफत कोहली, इनसे मिलवाने। जी बिल्कुल, और इनसे जानेंगे आपके हर सवाल का जवाब। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टेट टाइम्स में। थैंक यू। और मैम, एवरी पर्सन इज डीलिंग विद योर डिपार्टमेंट, तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि राशन जो है वो हर जगह पहुंच पा रहा है। बिल्कुल, राशन जो है टाइमली पहुंच जाता है। हमारा बड़ा मेटिकुलस सिस्टम है। जैसे ही हम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से हम राशन लिफ्ट करते हैं तो हम उसको इमीडिएटली, हमारा एक सेट प्रोसीजर होता है, हमारे स्टोर्स में आता है, और स्टोर्स के बाद हम जहाँ भी डिफरेंट जो हमारी फेयर प्राइस शॉप्स रहती हैं या हमारे गवर्नमेंट सेल डिपो होते हैं वो टाइमली चला जाता है। और ये सारे जो इसकी एंट्रीज होती हैं ये हम थ्रू पोर्टल करते हैं, तो टाइमली जाता है राशन। और इवन मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे दच्चन मड़वा एरिया है या डोडा के रामबन के कुछ अपर रीचेज हैं, इवन किश कठुआ के भी बनी में कुछ एरियाज हैं, हमने वहाँ पे 6 महीने जहाँ पे हमें रोड नेटवर्क का कुछ इशू रहता था या वेदर की वजह से नहीं पहुंचा पाएंगे, तो वहाँ पे हमने किसी एरियाज में 6 मंथ्स का एडवांस डंपिंग कर दिया था और कुछ एरियाज में जहाँ पे 3 मंथ्स का। सो राशन जो है एज ऑन डेट वो हर जगह पहुँच जाता है। किसी रीजन में नहीं पहुँच पाया तो उसके लिए आप क्या करते हैं? मैंने आपको बताया, हमने जहाँ पे मौसम ख़राब है वहाँ 6 महीने पहले पहुँचा दिए और 3 महीने, ये इशू तो कहीं अराइज हो ही नहीं सकता कि राशन नहीं पहुँचेगा। हर महीने का राशन एक हमारा कोटा होता है, वो कोटा हर फेयर प्राइस शॉप, चाहे वो पहाड़ पे दुकान है चाहे शहर में, वो राशन टाइमली पहुंच जाता है। तो आपका चेकिंग का स्टाइल जो है वो क्या रहता है राशन को लेके? देखें, जो हमारे यहाँ से राशन जाता है वो तो हमारे थ्रू SRTC हम अपने स्टोर्स पे लाते हैं जहाँ पे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं। पहले वहाँ पे तीन, आगे भी अभी हमने इस महीने से सारी जगह जो है वो हमने SRTC के थ्रू हमारे सारे फेयर प्राइस शॉप्स पे डोर स्टेप डिलीवरी स्टार्ट कर दी है, तो वहाँ पे राशन पहुँच जाता है। उसके बाद जो डीलर्स हैं, जैसे आपका कंसर्न मुझे लगता है ये है, क्या जो बेनिफिशरी है उसके पास राशन पहुंचता है, है ना, जो लास्ट में जो कंज्यूम करेगा कंज्यूमर, तो हाँ बिल्कुल पहुंचता है। और आपको मैं बता दूं, ये आज की डेट में बायोमेट्रिक आपको करना पड़ता है। हमारे जो बेनिफिशरी रहता है, जो राशन कार्ड होल्डर है, वो आता है शॉप पे, अपना बायोमेट्रिक करेगा, क्योंकि राशन कार्ड जो अभी आधार सीडिंग हो गई है, वो जब उसका वो सक्सेस हो जाता है तो वो राशन उठाता है। अब तो डिजिटल राशनिंग हो चुकी है ना, तो अभी तक कितनी हुई है? ये तो हमने 100% हमारा जो अभी मैं बता रही हूँ वो ही आप राशन लिफ्ट कर सकेगा जिसका आधार सीडिंग हुआ है। तो हमारा 100% आधार सीडिंग हर एक कार्ड का, जैसे मैं आपको थोड़ा सा फर्क बता देती हूँ, एक राशन कार्ड बना है, राशन कार्ड में 5 फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है। अभी जैसे उनके किसी के 2 मेंबर्स का, किसी का 3 मेंबर्स का आधार सीडिंग हो गया, तो उनका एक भी मेंबर आके कभी भी जिसका आधार सीडिंग हुआ है वो फैमिली का राशन लिफ्ट कर सकता है, ठीक है। अब हम अभी EKYC करवा रहे हैं, उसमें ऐसा होगा कि जितने मेंबर्स हैं उन सब का आधार सीडिंग हो जाएगा। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगी सभी सुनने वालों को कि प्लीज अपना EKYC जिनका रहता है वो करवा लें। वही इम्पोर्टेंस जो राशन कार्ड को लेकर है वो भी जानना चाहेंगे। देखें, राशन कार्ड तो सबसे, एक तो लोगों को अभी आपको पता है हमारे यहाँ पे जो एक PHH कैटेगरी है और एक AAY रहती है और एक NPHH रहता है। जो PHH होता है वो BPL है और AAY जो BPL से भी नीचे, जिनका लोअर इनकम स्ट्रेटा में रहते हैं वो लोग रहते हैं, और NPHH जो है वो आज की डेट में APL है। तो जो हमारा PHH AAY का जो राशन है वो बिल्कुल 100% फ्री है। हाँ, जो NPHH है उसमें हम सब्सिडाइज्ड रेट पे देते हैं। फ्री किनको मिलता है वो? जो इनका, ओके, जो PHH और AAY कैटेगरी में है। हाँ, उसके अलावा हमारी अपनी JNKUT एक PMFSS स्कीम है, उसके तहत अभी हम राइस बांट रहे हैं, तो वो भी वो लोग ले सकते हैं जो BPL वाले हैं, वहाँ पे थोड़ा पेमेंट करके होते हैं। मैं अक्सर ऐसा देखा गया है कि सिटी के लोग बोलते हैं कि हम राशन नहीं लेते हैं क्योंकि वो पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि वो लेते हैं या नहीं लेते हैं? मायरा, आप ये अप्रिशिएट करेंगे कि डिपार्टमेंट ने काफ़ी माइलस्टोन्स क्रॉस कर लिए हैं।
क्वालिटी ऑफ राशन हमारा बहुत अच्छा है। कहीं थोड़ा बहुत जैसे कभी हमें आटे का, वैसे हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वीट देती है, हम फिर ग्राइंड, क्योंकि यहाँ पे जम्मू में आप कोई ग्राइंडिंग के लिए कहाँ जाएगा, तो हम जो सिटी एरिया है या थोड़ा सा जहाँ पे रूरल एरिया में, तो हम वीट ही देते हैं जम्मू को छोड़ के, जम्मू सांबा को, बाकी रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स में हम वीट और आटा देते हैं। तो उसमें थोड़ा कभी आ जाता है कभी मॉइस्चर या कुछ, अदरवाइज राशन का क्वालिटी अच्छा है। और हमारा जो राशन है, जो भी हमारे बेनिफिशरी हैं खासतौर पर PHH और AAY वाले, 100% अवेल करते हैं। मैम, इस बीच में जानना भी चाहूंगी कि आपको क्या चीज़ ऐसा मोटिवेटेड रखती है कि आपको सुबह से शाम तक काम करना है। इनफैक्ट मैं हर इंटरव्यू जिसका भी लेती हूँ मैं ये पूछती हूँ ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले कि मैं भी मोटिवेटेड रहूँ। देखें, जब वी आर ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड कि उसने हमें ये एक पोजिशन दी है, पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब आपको अथॉरिटी मिलती है तो ये इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए, उसके साथ उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और अकाउंटेबिलिटी भी है। तो मुझे लगता है जब आप ये चीज़ जिम्मेवारी अपनी समझते हैं कि मेरे को खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी भी है मेरे ऊपर, तो मुझे लगता है वो आप में, और ख़ासतौर पे मैंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम किया है, पर यहाँ पे जब आप लोगों के इतने इश्यूज़ होते हैं जब आप रिजॉल्व करते हैं और जो आपको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है, मुझे लगता है वो बहुत बड़ा पॉजिटिव एक आपको एनर्जी देता है, और उसकी वजह से आप काम कर सकते हैं और एक अच्छा टीम स्पिरिट रहता है जी। अच्छे से आप अपने सीनियर्स सबॉर्डिनेट्स के साथ एज ए टीम काम करते हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं एक अच्छा टीम वर्क हमेशा बेहतर रहता है और पॉजिटिव रहता है। वहीं जानना चाहेंगे कि पर फैमिली राशन जो है वो कितना मिलता है। देखिए, जो हमारी AAY कैटेगरी है उसमें हमारे 35 kgs जो रहेगा पर फैमिली रहता है, इरिस्पेक्टिव उसके फैमिली मेंबर कितने, 8 हैं या 3 हैं। जो हमारा PHH और NPHH कैटेगरी है उसमें हम 5 kg पर सोल देते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी राशन कार्ड में 8 फैमिली मेंबर्स हैं तो उनको PHH या NPHH में अगर वो है तो उसमें जो PHH वाले उनको तो फ्री ऑफ राशन फ्री मिलेगा, तो 40 kg मिलेगा, तो 5 kg पर सोल है। Okay. तो मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा कि डिपार्टमेंट आगे क्या कुछ प्लान कर रहा है, क्या कुछ करना है नया कुछ। देखिए, डिपार्टमेंट का तो जो मैंडेट है सबसे पहले इम्पॉर्टेंट तो यही मैंडेट है कि हम और इसमें ट्रांसपेरेंसी ला सकें, और इसके लिए हमने काफ़ी कुछ इफेक्टिव स्टेप्स भी लिए हैं। जैसे काफ़ी बुजुर्ग लोग होते हैं या किसी के कुछ लोग बाहर काम करते हैं और उनके घर में कोई जाके राशन लिफ्ट करने वाला नहीं होता है ना, तो उसमें हमने ऐसा किया कि एक नॉमिनी पॉलिसी बना दी है, अगर आप उस फैमिली के नहीं भी हैं, दूसरा वो आएंगे हमारे ऑफिसर्स जो फील्ड फंक्शनरीज हैं उनसे मिलेंगे, हम अथोराइज कर देंगे किसी एक का उधर, अथोराइज कर देंगे कि वो आपका राशन लिफ्ट करके ले जा सकता है, कि राशन से कोई डिप्राइव ना रहे किसी वजह से। सो उस पर हम चाहते हैं आपके थ्रू भी अवेयरनेस और लोगों को मिल जाए। दूसरा, हमने काफ़ी ट्रांसपेरेंसी तो की है, पर हाँ एक चीज़ हमारे पास आता है कि थ्रू बायोमेट्रिक ही लोग लेते हैं कि अंगूठा लगा के आप उठाते हो तो फिर राशन कम नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई, हम पूरा राशन भेजते हैं, अगर कोई नीचे डीलर या कोई भी, अगर आपको कहीं सुनने वालों को मैं बता दूं कि हम पर सोल पूरा राशन भेजते हैं, किसी को अगर कम मिलता है तो वो प्लीज़ हमारे डिपार्टमेंट के या हमारे ऑफिसर्स के नोटिस में लाएं तो हम उसके खिलाफ एक्शन करेंगे। तीसरा, जो मैं आपके माध्यम से बोलूँगी कि EKYC तो वो करवाएं ही, टाइमली करवा लें, और बाकी हमारी तरफ से कोशिश रहती है कि जितना भी आपके इसमें, कि जैसे लोग सोचते हैं कि पुंछ राजौरी के हैं या कश्मीर के हैं वो जम्मू में राशन ले सकते हैं, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, उनको कोई वहाँ पे अपना जो उनका रिस्पेक्टिव, चाहे वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के हैं या दूसरे स्टेट के हैं, यूपी बिहार वाले या कहीं के अभी कोई भी हमारे हैं लोग, वो यहाँ पे राशन ले सकते हैं, उनको राशन कार्ड ना सरेंडर करने की ज़रूरत है या यहाँ पे या ऐड करवाने की ज़रूरत है, अपने उसी राशन कार्ड के इस्तेमाल करके वो यहाँ से भी राशन ले सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर दिस ग्रेट इन्फॉर्मेशन। ओके, थैंक यू। तो आपने देखा, डायरेक्टर रिफत कोहली जी जिनसे मैंने अभी बातचीत की है, और मुझे लगता है आपके हर सवाल का जवाब जो है वो इन्होंने आपको दिया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और भी ऐसे ही देखते रहिए स्टेट टाइम्स।